नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना है कि नील रिटर्न भी फाइल हो सकती है जीएसटी की थ्रू एसएमएस। आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं, आपको आईडी पासवर्ड करने की जरूरत नहीं, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं। आप अपनी 3B को फाइल कर सकते हो एसएमएस के द्वारा। मैं प्रवीण शर्मा आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जीएसटी या 3B को फाइल कर सकते हो एसएमएस के द्वारा। आपके चाहे आपके पास चाहे बटन वाला फोन हो, कीपैड वाला फोन हो या एंड्रॉयड फोन हो, किसी के भी द्वारा एसएमएस की फैसिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए और आपने अपनी रिटर्न 5 मिनट में आप फाइल कर सकते हो। बट इसके पीछे कंडीशन क्या है? आपने कोई सप्लाई तो नहीं करी, आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई तो नहीं करी, आपने कोई सेल तो नहीं करी। अगर सेल नहीं करी कोई बात नहीं, ठीक है, आप अपनी रिटर्न को एसएमएस के द्वारा फाइल कर सकते हो। कोई टैक्स नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेट फी की पेमेंट नहीं करनी, तो इसीलिए आप अपनी रिटर्न को एसएमएस के द्वारा फाइल कर सकते हो। ये दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई सबसे पहले करनी होगी। देन आपको क्या करना पड़ता है? अगर आपको अपनी रिटर्न 3B फाइल करनी पड़ती है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, हर महीने को लॉगिन करना पड़ेगा, रिटर्न प्रोसेस होगी, फिर एआरएन जनरेट होता है। तो बहुत ही इस प्रोसीजर्स को इजी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक एसएमएस के द्वारा, एक शॉर्ट एसएमएस सर्विस के द्वारा एक प्रोसीजर बताया गया कि आप अपनी रिटर्न को घर बैठे, कभी कहीं भी बैठे आप फाइल कर सकते हो। इट विल इंप्रूव द ईज ऑफ द जीएसटी कंप्लायंसेस। इससे लगभग 22 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को फायदा होने वाला है दोस्तों। 22 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को यहाँ पे फायदा होगा और उनमें से आप भी जरूर इस केसेस में होंगे। कंडीशन यहाँ पे क्या चलेगी? जी हाँ, कंडीशन क्या है? नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर होना चाहिए। इन तीन टैक्सेबल पर्सन को ही यहाँ पे एसएमएस के द्वारा आप अपनी रिटर्न को 3B को नील फाइल कर सकते हो। बाकी लोगों के लिए ऑनलाइन जाना पड़ेगा, अपनी रिटर्न को फाइल करना होगा। साथ के साथ यहाँ पे एक चीज और बताया गया, अगर मान लीजिए मैं मई महीने की जीएसटी 3B फाइल करना चाह रहा हूँ, अप्रैल महीने की 3B आपकी फाइल होनी चाहिए। अगर अप्रैल महीने की 3B फाइल नहीं है तो पहले अप्रैल महीने की 3B मुझे फाइल करनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए अप्रैल महीने की 3B के अंदर कोई टैक्स आ रहा है, कोई इंटरेस्ट आ रहा है, कोई लेट फी आ रही है, तो सबसे पहले उसको पे करना पड़ेगा, तभी आप एसएमएस के द्वारा आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हो। यहां तक कि कोई डेटा भी स्टोर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मई महीने की रिटर्न मैं फाइल करना चाहता हूं, तो मई महीने की जीएसटी या 3B का डेटा सेव आपने जो किया है उसके अंदर कोई भी डेटा उसके अंदर सेव ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं होना चाहिए। यहां ध्यान देने वाली बात, एक और बात यहाँ पे क्या, कि जिस मोबाइल नंबर से आपको एसएमएस भेजना है वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऑथराइज सिग्नेटरी के अंदर वो मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए दो ऑथराइज सिग्नेटरी है और एक ही मोबाइल नंबर इन दोनों ऑथराइज सिग्नेटरी में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डिफरेंट मोबाइल नंबर आपको यूज करना पड़ेगा। बट डिफरेंट जीएसटीएन में एक मोबाइल नंबर चल सकता है, बट एक ही जीएसटीएन के अंदर अगर दो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसमें एक मोबाइल नंबर है तो वो नहीं चल सकता। तो ध्यान देने वाली बात कि ऑथराइज सिग्नेटरी का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसके द्वारा आप अपनी रिटर्न को एसएमएस के द्वारा फाइल कर सकते हो। अब कब आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हो? जी हाँ, मई महीने की अगर आपको 3B फाइल करनी है तो 1 जून ऑनवर्ड्स आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हो। जो भी 20, 22, 24 जो तारीख है उस तारीख से पहले आप अपनी रिटर्न को एसएमएस के द्वारा फाइल कर सकते हो। कैसे फाइल करना है, इंपॉर्टेंट टास्क ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको अपनी रिटर्न नील फाइल करनी है, निल ही फाइल होंगी। अगर टैक्स है तो लॉगिन करना पड़ेगा। अगर निल फाइल करनी है आपको क्या लिखना है दोस्तों? NIL, निल स्पेस आपका 3B, 3B फाइल करनी है आपको, निल स्पेस 3B स्पेस जीएसटीएन नंबर, 15 डिजिट का जो आपका जीएसटीएन नंबर है, स्पेस किस महीने की आपको रिटर्न फाइल करनी है। मान के चलिए मई 2020 की रिटर्न फाइल करनी है तो 05-20-20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या फॉर्मेट बना, NIL स्पेस 3B स्पेस GSTN नंबर स्पेस 05-20-20। ये फॉर्मेट आपको बना करके भेजना है 14409 नंबर पे। 14409 नंबर पे जैसे ही आप भेज देते हो, सेंड कर देते हो, एक 6 डिजिट का कंफर्मेशन कोड आएगा। 6 डिजिट का कंफर्मेशन कोड आपको अगर कंफर्म करना है क्या मेरी रिटर्न फाइल हो गई, तो 6 डिजिट का जो कंफर्मेशन कोड है आप उसके लिए क्या करोगे, CNF। क्या लिखोगे? CNF, CNF स्पेस 3B स्पेस 6 डिजिट कोड,
इसको आप भेज दोगे 14409 पे, आपको एक ARN जनरेट मिल जाएगा। जैसे ही ARN जनरेट हो जाता है आपकी रिटर्न फाइल हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस वेयर यू कैन फाइल योर रिटर्न SMS के द्वारा। अगर कभी हुआ, ऐसा कभी हुआ कि आपका इनकरेक्ट वेरिफिकेशन कोड आया, ये आपका SMS अगर चल नहीं रहा, ये रिटर्न आपको पता नहीं लग रही कि फाइल नहीं हुई, तो कभी कभार क्या होता है कि इनकरेक्ट वेरिफिकेशन कोड आता है। अगर ये मोर देन 3 times a day अगर कभी हुआ, कहीं ना कहीं एरर आ सकता है क्योंकि नया प्रोसेस है, तो उस केसेस में सरकार ने कहा है कि 24 घंटे का टाइम आपको देना पड़ेगा, 24 घंटे बाद आप इस प्रोसेस को अगेन उसी तरीके से फॉलो कर सकते हो। तो सर दिस इज द प्रोसेस है दोस्तों, ये दिस इज द प्रोसेस है कि अगर आपकी कोई भी निल लाइबिलिटी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेट फी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई डेटा स्टोर नहीं है और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो जिस मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी मोबाइल नंबर से आप अपनी 3B को निल फाइल कर सकते हो। ये मैसेज आप भेज सकते हो, कंफर्मेशन ले सकते हो और ARN जैसे ही जनरेट हो जाएगा इसका मतलब आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, इन केस ऑफ एनी क्वेरी डू राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, वी विल श्योरली हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।